रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तबाही को सारी दुनिया देख रही है। सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार सरहदों को बढ़ाने की होड़ में रूस और यूक्रेन के नेता एक दूसरे के देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस पूरी घटना के बारे में किसी ने आज से 23 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं ना। लेकिन ये सच है। आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवक्ता के बारे में बताएंगे जिसने आज से 23 साल पहले ही बता दिया था कि पुतिन विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता बन जाएंगे। दरअसल बुल्गारिया की बाबा बेंगा एक ऐसी भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने 24 साल पहले ही यूक्रेन और रूस को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा बेंगा दुनिया की उन भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं जिन पर सारी दुनिया यकीन करती है। बाबा बेंगा की कई भविष्यवाणियां सत्य भी साबित हो चुकी हैं। बाबा बेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थी जो सच भी साबित हुई। बाबा बेंगा ने 23 साल पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसे जानकर सारी दुनिया हैरान हो चुकी है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रूस दुनिया का स्वामी बनेगा। बताया जा रहा है कि बाबा बेंगा की अब तक 85% भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये भी दावा किया है कि साल 5079 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। बाबा बेंगा ने साल 1979 में भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रूस सारी दुनिया पर राज करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक दिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, यानी कि सारी दुनिया पर उनकी बादशाहत कायम हो जाएगी। बाबा बेंगा ने डरावनी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यूरोप बंजर जमीन बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि बर्फ की तरह सब कुछ पिघल जाएगा, सिर्फ बचेगा व्लादिमीर पुतिन का गौरव और रूस को कोई छू भी नहीं पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्यवक्ता ने अपनी मौत से पहले रूस के बारे में ये खुलासा किया था। उनके अनुसार दुनिया में सिर्फ रूस ही सबसे शक्तिशाली देश होगा। वह रास्ते में आने वाले सभी देशों को परास्त करेगा और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। बाबा बेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, दुनिया भर में भूकंप और सुनामी भी आ सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देशों में लोगों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।